आई एम इंटेलिजेंट शी इज इंटेलिजेंट वी आर इंटेलिजेंट कोई भी इंटेलिजेंट हो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग चेंज नहीं होती बट फ्रेंच में द स्पेलिंग ऑफ एजेक्टिव ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू नाउन एंड जेंडर तो वो कैसे होता है वी विल सी नाउ द फर्स्ट थिंग इज द प्लूरियल दी विल बी लर्निंग हाउ टू चेंज अगुलर एजेक्टिव इन टू प्लूरल फॉर्म द रूल टू मेक इन टू प्लूरल फॉर्म इज एक्जैक्टली सेम टडीड अबाउट द नाउन सो नाउन को सिंगलो टूबल कैसे करते हैं और एग्जेक्टिव को सिंगलो टूब्लूरल कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली exactly सेम है रूल नंबर वन एड एस टू दिंगर फॉर्म तो जब भी कोई भी वर्ड होगा उसको एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे एस लगाएंगे सिमिलरली जैसे नाउन को इंग्लिश में करते हैं एक्स्ट्रा एस लगाना है सो एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रो ग्रो टॉल और बिग एग्जाम्पल आई एम टॉल वी आर टॉल इंग्लिश में टॉल की स्पेलिंग चेंज नहीं होती बट फ्रेंच में यो नू सॉम ग्रॉ यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ ग्रॉ इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नाउन नेक्स्ट एन तलिजॉ एन तेलिशो एन तेलिजो सो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग भी चेंज होगी यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एस रूल नंबर टू वर्ड एंडिंग विद एस एक्स एंड नॉट चेंज एनी वर्ड एट एंड एस एक्सड उसको चेंज नहीं करना है बिकॉज वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में भी है और प्लुरल फॉर्म में भी है ग्रॉस ग्रॉस विच मीन फैट ओल्ड एंड रूल नंबर थ्री वर्ड्स एंडिंग इन यू एड एन एक्स्ट्रा एक्स तो ऐसा कोई भी वर्ड है जिसके लास्ट में यू रहेगा उसको एक्स्ट्रा क्या लगाना है एक्स एग्जाम्पल बो बो हैंडसम ओके इंग्लिश में हम नहीं बोल सकते वी आर हैंडसम्स आई कैनोट से दैट बट इन फ्रेंच they put extra x to make the adjective plural next nouveau 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 new so uske koi exception hai do aise exception hai jiske last mein u hone ke bawajood x nahi lagega you have to add extra s तो so, general rule क्या बोलता है U के आगे X लगाओ but exception क्या बोलता है कि U के आगे X नहीं लगेगा example blue blue, which means blue And second, Foo Foo which means mad, which means mad. Rule number four: words ending with al or ail change to aux. So, example: national, national, which means national. So, these you have to learn, de, students. You have to learn all the four rules very nicely. Add extra s to make a singular adjective to plural adjective. रूल नंबर टू एस एक्सड इफ इट एंड नॉट चेंज दैम रूल नंबर थ्री अगर लास्ट में यू है तो एक्स्ट्रा एक्स लगाओ एंड रूल नंबर फोर ए एल या ए आई एल होगा तो उसको चेंज करो एक्स में मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड दिन देव सो हाउ टू मेक एडजेक्टिव इन टू फेमनाइन फॉर्म सो देर आर फ्यू रूल्स रूल नंबर वन एड एक्स्ट्रा ई सो एक्स्ट्रा ई क्यों लगाना है बिकॉज लड़की हमेशा ई e करती है तो so, मैस्कूर करने के लिए एक्स्ट्रा ई e लगाना होगा एग्जाम्पल एन टेलिजो एन टेलिजो विच मीन इंटेलिजेंट पति पतीत स्मॉल तो इफ आई से राहुल ए पति तो राहुल इज स्मॉल बट इफ आई टेक सम गर्ल्स नेम फॉर एग्जाम्पल ईशा ए पतीत सो ईशा इज स्मॉल सो एक्स्ट्रा ई आएगा नेक्स्ट इज वर्ड्स एंडिंग विद ई रिमेन्स अनचेंज इज एनी एब्जेक्टिव विच इज ऑलरेडी एंडिंग विद ई Then we do not have to change it. Large, large, which means large. Mince, mince, thin, thin, T H I N, thin. Rule number three: If there is any adjective which ends with E, a, E, acute, so, so add an extra E. So add an extra E. Example: Fatigé, fatigé. So if an adjective ends with E, acute, add extra E. Fatigé means tired.

तो वट यू हैव टू डू डबल द फाइनल कॉन्ेंट एंड एड ओके डबल द फाइनल कॉन्ट मतलब क्या होता है अगर ओ एन होगा तो वो ओ एन एन ई हो जाएगा वो कॉन्सनेट को डबल करो और एक्स्ट्रा ई लगाओ ई एन होगा तो ई एन एन ई ओ एस होगा तो ओ एस एसईटी होगा तो ई टी टी ई एग्जाम्पल एग्जाम्पल बॉ बॉन गुड एनधीएन इंडियन ग्रॉस ग्रॉस फैट कॉकवेथ क्वेट स्टाइलिश सो दिस रूल्स यू हैव टू रिमेंबर क्या याद रखना है कुछ नहीं होगा तो ई लगाना है अगर ऑलरेडी ई e है तो चेंज नहीं करेंगे ई e अक्यूट होगा तो एक्स्ट्रा ई e आएगा आई एफ आई वी ई बन जाएगा ई e आर ईग्रा e वाली बन जाएगा ई यू एक्स ई यूएस बन जाएगा एंड फाइनली अगर कभी भी ओ एन ई एन ओ एस ई टी आएगा सो डबल द फाइनल कॉन्सनेट एंड एड ई सो यू है दिस रूल्स वेरी थरली सो नाउ वी हैव सम्स ये एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि हम जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे एग्जाम्पल लॉन्ग लॉन्ग सो लुक फ्रॉम नाइन फॉर्म में जी यू -E हो रहा है ओके इन इंग्लिश लॉन्ग बो बो बेल बेल हैंडसम ऑल द बॉयज आर बो एंड ऑल द गर्ल्स आर बेल सारी लड़कियां बेल होती है नेक्स्ट वियर वी वियर वी एल मीन्स ओल्ड 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 सो इसका फेम लाइन फॉर्म भी बहुत ही अलग विचित्र है विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट इज वाई इट इज एन एक्सेप्शन एंड लास्ट फू फॉल मैड और क्रेजी ओके मैड और क्रेजी तो अगर लड़का मैड या क्रेजी होगा तो उसको फू बोलेंगे बट लड़की मैड या क्रेजी होगी तो उसको फॉल बोलेंगे सो इफ यू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन सो स्टूडेंट्स हमने ये तो पढ़ लिया कि सारे एड्जेक्ट फ्लेक्सीबल होते हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू नाउ एंड जेंडर तो नाउ वे वो स्टार्ट विद्यू न्यू पार्ट ओके प्लेसमेंट ऑफ एब्जेक्टिव अब हमें ये देखना है कि एडजेक्टिव की प्लेसमेंट कैसी होती है ओके okay, और कहाँ होती है एग्जैक्टली exactly? सो so, लिखा है अनलाइक इंग्लिश द एब्जेक्टिव इन फ्रेंच आर प्लेस्ड आफ्टर नाउन मतलब इंग्लिश की एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ओके okay, अगर इंग्लिश में देखो अगर पहले एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है बट फ्रेंच में पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है ओके okay, एग्जैक्ट उल्टा होता है इंग्लिश से सो लेट्स एन एग्जाम्पल राज इज एन इंटेलिजेंट बॉय राज इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सो राजू सी इन इंग्लिश पहले इंटेलिजेंट आया फिर स्टूडेंट आया सो so, पहले एब्जेक्टिव देन नाउन बट इन फ्रेंच पहले नाउन आएगा फिर एब्जेक्टिव आएगा एग्जाम्पल नंबर टू शी हैज लॉर्ड ऑफ फ्रेंच बुक्स सो एलासे सो अगेन फ्रेंच बुक्स इंग्लिश में पहले एब्जेक्टिव फिर नाउन बट फ्रेंच में पहले पहलेव पहले नाउन और फिर एडजेक्टिव आया है सो द जनरल रूल इज फ्रेंच इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू इंग्लिश इन एडजेक्टिव एग्जैक्टली एज्जेक्टिव इंग्लिश का ऑपोजिट करना है बट हाव वर देर आर फ्यू एक्सेप्शन देर आर फ्यू एक्सेप्शन थोड़े से एडजेक्टिव है वेर एडजेक्टिव आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन सिमिलर टू इंग्लिश बट कुछ ही ऐसे एबजेक्टिव हैं जो एग्जैक्टली exactly इंग्लिश की तरह रूल फॉलो करते हैं इंग्लिश में भी एडजेक्टिव नाउन और फ्रेंच में भी एडजेक्टिव नाउन तो वो थोड़े से एबजेक्टिव हमें क्या करने होंगे स्टूडेंट्स हमें लर्न करने होंगे वो कौन से कौन से एब्जेक्टिव है फॉर एग्जाम्पल शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल सो एन बेल फिल सो ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव नाउन और बेल फिल भी एडजेक्टिव नाउन सो फ्रेंच इज फॉलोइंग एग्जैक्टली सेम रूल्स एज इंग्लिश रूल नंबर टू द स्मॉल गर्ल इज तेन योर्स ओल्ड

और ये जो बीजेपी है उन सब में दो एज्जेक्टिव हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर सो फर्स्ट इज बॉ एंड मोवे एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर गुड बैड नेक्स्ट जर्न वी यंग एंड ओल्ड एग्जैक्टली अगेन ऑपोजिट टू ईच अदर एंड थर्ड पी पति ग्रो स्मॉल और बिग विच इज ऑपोजिट टू ईच अदर सो ऑल दिस एज्जेक्टिव बीजेपी ब्रेटली गुड नाइट आर दोज एजेक्टिव फॉल्स इन द एक्सेप्शन लिस्ट जो एग्जैक्टली exactly इंग्लिश की तरह प्लेसमेंट फॉलो करते हैं ओके आई विल टेल यू अ स्टोरी स्मॉल स्टोरी टू रिमेंबर दिस रूल समझो फॉर एग्जाम्पल राज नाम के लड़की की शादी है ओके okay? राज नाम के लड़की की शादी है अब मुझे बताओ उसकी शादी में मारवाड़ी शादी थी ओके okay? सो so, मारवाड़ी शादी में तो बहुत सारे लोग आते हैं सो so, हजार हज़ार लोग को इनवाइट किया गया था बट टेल मी क्या सारे हजार के हज़ार लोग शादी के तीन से चार दिन पहले उस राज के घर आ जाएंगे ऑफ कोर्स नॉट ओके सो राज के घर पे शादी के पहले सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जैसे उसके चाचा काका मासी मासो मासो सा या भूरोसा ओके भूआ पीपल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हैड कम सो तीन दिन पहले आ गए थे और उन्होंने पूरी शादी इंजॉय की बाकी सारे के सारे मेहमान तो क्या हुए थे शादी के दिन आए थे या तो फिर रिसेप्शन में आए थे और बिना इन्वॉल्व दिए खाना खा के चले गए सो दोज एडेक्टिव दोज दोज रिलेटिव जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो लोग शादी के दो से तीन दिन पहले ही आ गए थे तो आई कैन से एडजेक्टिव भी वैसे ही हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं दे प्रिस द नाउन जो नाउन के पहले आ जाते हैं ये जो दस एडजेक्टिव हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा जितने भी सारे एडजेक्टिव हैं जितने भी सारे एड्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे नाउन के बाद आएंगे ओके सो ऑल दिस टेन एज्जेक्टिव बॉ मोवे जन वियो पति Grand, beau, long, gross, nouveau. You have to learn all these 10 adjectives properly, which precedes the noun. Noun ke pehle aate hai. So, students, thank you so much. You have to learn these entire rules and all these adjectives thoroughly, and it will be quite simple for you to understand adjectives in French. Thank you so much. Please do hit the like button and subscribe to our channel if you're a new viewer. Merci beaucoup au revoir. Bye.